कि झारखंड प्रदेश का जो ग्रामीण क्षेत्र जो परिस्थिति और उसी को देख के, ताकि हमारी ग्रामीण क्षेत्र के सभी परिवार को लाभ मिले, उन लोग भी बिजली का उपयोग कर सके, उसी को ध्यान में हम किया। सर, आज जो ये रेगुलराइज किया गया सारे बिल्डिंगों को, उससे आम लोगों को तो फायदा होगा ही, सरकार का कितना राजस्व का अनुमान? देखिए, झारखंड प्रदेश को सबको समान रूप से जीने का भी है और जो मकान बना हुआ है कोई रैयती के जमीन के ऊपर उसको भी न्याय मिले, ताकि किसी तरह के उनका ऊपर में सोच ना पैदा हो, उसका जल्द उनका परिवार परेशान नहीं हो। बहुत कुछ सोच करके इसको किया, ताकि झारखंड क्षेत्र में सब हम लोग अच्छा रहे, लोगों के अंदर जो डर है वो मिट जाए, इसके लिए सरकार पैसे ज्यादा ध्यान नहीं दी कि कितना आएगा राजस्व से। कोई देखिए, वो तो सिस्टम है, सरकार जनता की सेवा करने के लिए ही है, और इसीलिए इस तरह का हम लोग काम करते जा रहा है। सरकार किसका लिए है? जनता के लिए, जनता को सुविधा जितना दे सके, हर चीज का, यातायात का सुविधा दे, पढ़ाई का सुविधा दे, उसका आर्थिक स्रोत उत्पन्न होगा, वही तो है काम करने का, तभी ना आप अच्छा वातावरण से आप जिएंगे। सर, एक सवाल आपके लिए, आपने न्यायिक सेवा के लोगों को भत्ता दिया, पुलिस वाले के पास भोजन भत्ता वर्दी भत्ता का मामला कई सालों से लटका हुआ है, ठीक है, उसको भी देखा जाएगा। TheFollowUp.in. Like.